इज वर्षा, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने कहा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो आज हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस को ही पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे सपोज कोई एक ट्रेन है, वो किसी एक पोल को पार करती है, कितने समय में उसको पूरा क्रॉस कर लेगी, या फिर पोल के प्लेस पर कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, या फिर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। इस तरह के क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक बात जो है समझने की, वो क्या है कि सपोज अगर एक ट्रेन है किसी पोल को पार करती है, तो वहां पर जो डिस्टेंस होती है वो सिर्फ ट्रेन की ही ली जाती है, ना कि पोल की, क्योंकि पोल की एक कोई माइनर, बहुत माइनर डिस्टेंस होती है, जिसको ट्रेन के अकॉर्डिंग, ट्रेन के आगे उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही पोल हुआ या फिर पर्सन हुआ, दोनों ही यहाँ क्या होंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। एंड जो प्लेटफॉर्म है या फिर कोई दूसरी ट्रेन है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगी, ट्रेन में ऐड हो जाएगी। इट मीन जैसे दो ट्रेनें मान लो सपोज एक, और चाहे वो एक ही डायरेक्शन में जाए या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ऐड होगी। स्पीड तो हमें पता है, अपोजिट डायरेक्शन में आने पर स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, एंड सेम डायरेक्शन में जाने पर स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले हमने टाइप पढ़े थे, उनसे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये है पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन क्या होता है, कोई चोर को कोई पुलिस देखती है, तो चोर आगे होता है, पुलिस उससे पीछे होती है। अब पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी या फिर कितने डिस्टेंस पर पकड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी चोर से, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, अदरवाइज तो चोर को कभी नहीं पकड़ा जा सकता अगर चोर की क्या है, स्पीड तेज है। तो पुलिस और चोर के क्वेश्चन भी हम यहाँ देख लेते हैं। अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। देखो एक पुलिस जो है वो फॉलो करती है थीफ को, यहां थीफ मान लेते हैं, यहाँ पुलिस, जो कि कितने मीटर आगे है पुलिस से, 600 मीटर। ठीक है, इफ द पुलिसमैन एंड द थीफ रन एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, क्या बोला है, इन हाउ मच टाइम, टाइम हमें किसमें बताना है, मिनट में, ओके, विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, जो पुलिसमैन है वो थीव को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ कोई डिस्टेंस होगी एक, जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ये कोई डिस्टेंस होगी। तो देखो डिस्टेंस तो दोनों ने अलग अलग चली है, स्पीड भी दोनों की अलग है, लेकिन टाइम क्या है, दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पर टाइम सेम वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, उसमें क्या होगा, जो स्पीड होगी उनका रेशो हम फाइंड करेंगे, वही रेशो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। तो दोनों की डिस्टेंस फाइंड करके किसी भी एक चोर की डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो तो भी टाइम निकाल सकते हैं, या फिर पुलिस की डिस्टेंस को पुलिस की स्पीड से डिवाइड करके भी हम टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे टाइम ही पूछा है, तो हम इतना लेंथी प्रोसेस करके डायरेक्ट टाइम ही निकाल सकते हैं कैसे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 600 मीटर, एंड स्पीड हमें पता है 10 एंड 8, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, जो कि होगी 2 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5/18। बड़े से हमें कहाँ जाना, छोटे पे, ठीक है। तो 18 को अगर मैं ऊपर लिखूं
कितना आ जाएगा यहाँ से काट के, 10, 0, 1, 0, 8, 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, ये किसमें आया है टाइम, सेकंड्स में, सेकंड में आया है ये हमारे पास टाइम। पूछा किसमें हमसे, मिनट में, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, 60 से डिवाइड 18 मिनट। 18 मिनट के बाद क्या है, 18 मिनट के बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। क्लियर हुआ सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ इज स्पॉटेड वाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। पुलिस ने एक थीव को देखा है 400 मीटर की डिस्टेंस पर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स कैचिंग द थीव आल्सो स्टार्ट रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीव, थीव की स्पीड है 32 एंड द पुलिसमैन की है 40, ओके, देन हाउ फार वुड द थीव हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। बोल रहा है थीफ कितना दूर चलेगा जब तक कि उसको पुलिस पकड़े। तो हमें ये थीफ वाली डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो हम टाइम सेम वाला कंसेप्ट लगाएंगे। टाइम सेम है तो देखो स्पीड का जो रेशियो निकालेंगे 40 एंड 32, 8 से कट करो 5 एंड 4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आ जाएगा इनका, 5 एंड 4। इट मीन्स पुलिस जो है उसने यहां से और यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, 5, एंड थीफ ने यहां से और यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, 4। ये टोटल है 5 एंड यहां से यहां तक है 4, तो 5 में से अगर 4 निकाल लू तो ये 400 क्या आ जाएगा, डिफरेंस। इट मीन्स 1 किसके इक्वल गिवन है, हमें 400 मीटर के इक्वल गिवन है। पूछा किसका है, थीफ का। थीफ कितना चला है, 4, तो 400 × 4 कर दो तो 1600 मीटर। 1600 मीटर चोर के द्वारा चली गई क्या है, डिस्टेंस। अगर पुलिस की पूछेगा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को 5 से, देन कितना आएगा, 2000 मीटर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे होते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड। देखो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर एंड वो एक पोल को क्रॉस कर रही है जो कि टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 12 सेकंड। अब स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, इससे हम ट्रेन की क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या होता है, एस इंटू टी। पहले अब आगे देखते हैं हमसे किसमें पूछा है, हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 360 मीटर लॉन्ग। बोल रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना समय वो ट्रेन लेगी इतने मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, तो हमें सेकंड्स में आंसर निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 12, 4 टाइम कटा 20 एंड 20 × 12 कितना हो जाएगा, 240 मीटर। इट मीन्स जो ट्रेन की डिस्टेंस है, इट मीन ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 240 मीटर। अब यही ट्रेन कितने मीटर लंबे ब्रिज को, 360 मीटर लंबे ब्रिज को। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिज हो या फिर कोई दूसरी ट्रेन हो, दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, जुड़ती है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन बोला है कि हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है, टाइम के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों की ऐड कर लो, ट्रेन की एंड ब्रिज की, क्लियर है। एंड स्पीड, अब स्पीड किसकी, ट्रेन की स्पीड जो कि कितनी गिवन है, 72, लेकिन हमें सेकंड में निकालनी है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया था तो हमें कितना मिला था यहाँ पर, 20। देखो इस वाले स्टेप को देखो तो हमें कितना मिलेगा, 5, 4 जा 20, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 20।
ऐड करो 0.06 अपॉन 20, क्या आया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्या है हमारा करेक्ट आंसर है कि हाउ मच टाइम सेकेंड विल इट टेक टू क्रॉस। अच्छा जो ट्रेन है वो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, 30 सेकेंड का समय। इजी था एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन, अब देखो यहाँ पर कितनी ट्रेन्स है, टू ट्रेन्स है पी एंड क्यू ऑफ लेंथ, दोनों की लेंथ हमें गिवन है, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऑन पैरेलल ट्रैक एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड इतना किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों की स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, एंड लेंथ किसमें गिवन है, मीटर में। आंसर हमसे देखते हैं क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। अब यहाँ पर हमसे बोला नहीं गया है कि टाइम किसमें देना है, अच्छा वो तो हम एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, मिनट में गिवन होगा तो मिनट में, या फिर सेकेंड में गिवन हो सकता है, तो यहाँ पर हम सेकेंड में निकाल लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो क्या निकालना है हमें, टाइम जो कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, दोनों ट्रेनों की जो दूरी है वो जुड़ जाएगी, लंबाई जो है दोनों ट्रेनों की लेंथ 6 एंड 8, स्पीड क्या होगी दोनों की माइनस, 144 में से 108 को माइनस करो तो कितना आएगा 36। अब इसको आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ताकि हमें टाइम किस में मिल सके, सेकेंड्स में। 10 तो 86 सेकेंड, कितना आया 86 सेकेंड। 86 सेकेंड क्या आया है, समय जब दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। इजी था एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में है तो स्पीड क्या होगी दोनों की, प्लस स्पीड कितनी गिवन है 48 एंड 60 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, ये ट्रेन फास्ट है इसमें कोई आदमी बैठा है उसको क्रॉस करने में ये वाली ट्रेन कितना समय लेगी। अच्छा समय तो गिवन है, कितना लेती है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, इस ट्रेन की क्या पूछी है लेंथ। देखो लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर हमसे पूछा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एस इंटू टी, डिस्टेंस पूछी है तो अब यहाँ पर दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस तो हमें नहीं निकालनी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मैन को क्रॉस करना है, तो सिर्फ हमें एक ही ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है स्लोअर ट्रेन की। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमसे पूछा है, स्पीड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 60 में से 48 गया, 12 किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में कर दो 5/18, एंड टाइम कितना गिवन है ऑलरेडी सेकंड में गिवन है, 6 से काटा मैंने, फोर फाइव फोर 20 एंड 40 मीटर, क्या आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर क्या होगी ट्रेन की डिस्टेंस होगी, कौन सी ट्रेन की, स्लोअर ट्रेन की। इतनी तो नहीं हो, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यहां मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, 12 नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, चलो इसको फिर से देखते हैं, जस्ट अ मिनट, यहां कितना आएगा प्लस होगी तो 8 एंड 108, अब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 6 से कैंसिल आउट किया, 6 2 12 एंड 6 3 18, 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 3 9 एंड 3 6 18, 5 2 10, एंड तो क्या आंसर मिलेगा हमें, डी जुगस्टो कितना होगा 360
मीटर। 360 मीटर क्या होगी? ट्रेन की डिस्टेंस होगी जो स्लोअर ट्रेन है। क्लियर है सभी को? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ट्रेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।